समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य आज गाजीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर शामिल होने के लिए गाजीपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक दिन पूर्व अयोध्या में हुए भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा करने से अगर पत्थर सजीव हो जाता है तो मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे डिबेट में भाटी जी, उन्होंने कहा संत जी फोटो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है, ये सोच है। यहां पर पाखंड है, भोग है, आडंबर है, और वैसे भी जो खुद भगवान है, जो सबका कल्याण करता है, हम इंसान की क्या हैसियत कि उसको हम प्राण प्रतिष्ठा करें। इसका मतलब है हम भगवान के अस्तित्व को भी नकार रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग अपने को भगवान से बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करने वाला वो भगवान से बड़ा है, क्योंकि भगवान के अंदर जीवन वो दे रहा है। अरे भाई, भगवान राम को हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, उस अयोध्या में हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, करोड़ों लोग उनके समर्थक हैं, अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनको आराध्य मानते हैं, तो जिसकी पूजा करोड़ों हजारों साल से हो रही हो उसके अंदर नया प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या है। इसके साथियों, आज सत्ता में बैठे हुए लोग अपने पाप को छिपाने के लिए इस प्रकार के ड्रामे का सहारा ले रहे हैं। जो भगवान है भगवान है, हमारे प्राण प्रतिष्ठा करने से वो भगवान नहीं होगा, वो पहले से भगवान है। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा करके बाबा ही रुकना चाहते हैं तो इसका मतलब है आप अपने को भगवान से बड़ा साबित करने पर लगी हुई हो, ऐसे ढोंग को समझना होगा। आज देश का नौजवान करोड़ों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार है, बेरोजगारी पर चर्चा न हो, इसलिए इस प्रकार के ड्रामे का सहारा लिया जा रहा है। अगर वाकई में धार्मिक अनुष्ठान होता ये तो चारों शंकराचार्य भी उस कार्यक्रम में होते, चारों शंकराचार्य एक ही शंकराचार्य। और देश की राष्ट्रपति भी आमंत्रित होने के बाद भी यहां नहीं आई, इसलिए कि दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में वो अपमान के कड़वे धूप अभी भूल नहीं पाई, फिर अपमानित न होना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपने इज्जत का ध्यान रखते हुए अयोध्या नहीं आई।